सो हाय गाइस, OMG 2 को लेके जो मुद्दा सामने आया था कि OMG 2 अभी रिव्यू कमेटी के पास जा चुका है, उस मूवी कुछ सेक्स एजुकेशन एंड जो केन के पटरी के पास महादेव नहा रहे थे और जो महादेव के ऊपर जो पानी गिर रहा था वो केन का पटरी का गंदा पानी था और ऐसी कुछ सेक्स एजुकेशन को लेके इस मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, मतलब ये मूवी रिव्यू कमेटी के पास गया था। उसके बाद रिव्यू कमेटी ने अपना क्या जवाब दिया, उसी चीज को हम जानने वाले। क्या मूवी बैन होगा या थिएटर पे ये मूवी रिलीज हो जाएगा बहुत ही जल्दी, जैसे कि 11 अगस्त को ये मूवी रिलीज होने वाली है। और बेसिकली इतना सारा मुद्दा क्रिएट नहीं होता अगर आदि पुरुष अपना नाम खराब नहीं करता। मतलब आदि पुरुष में कुछ ऐसे सीन दिखाया गया था, हनुमान का जो गंदा डायलॉग था उसी को लेके जब ऑडियंस ने इस मूवी को बुरा भला कहा, उस चीज को लेके जब रिव्यू कमेटी इस मूवी को कैसे परमिट दे सकता है, क्या गांजा हुक के इस मूवी का रिव्यू कर रहा था, तो इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा हल्ला हुआ था और उसका भी सामना करना पड़ रहा है OMG 2 का। देखो, जिस मूवी के बारे में बोला गया था कि इस मूवी में सेक्स एजुकेशन को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, मतलब सेक्स एजुकेशन के ऊपर वीडियो मूवी बनाया गया है और उसके साथ महादेव जो ट्रेन के पटरी के पास नहा रहे थे, ये सब चीज़ जो बोला गया था, कुछ आर्टिकल में अभी ये सीन आ रहा है, मतलब कुछ आर्टिकल न्यूज़ में ये बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मूवी में। मूवी में पूरा बिल्कुल मुद्दे के ऊपर ये मूवी होने वाली है, पर कुछ कुछ तो आर्टिकल में ऐसे सीन आ रहे हैं जिस वजह से मूवी रिव्यू में गया है। तो अभी सीन यही सामने आ रहा है कि जब इस मूवी कोई सेक्स एजुकेशन नहीं था तो परेश रावल ने इस मूवी को करने में मना क्यों किया था, क्यों परेश रावल को सेकंड पार्ट में दिखाया नहीं गया, इसी चीज के लेके अभी फिर से मुद्दा उठ रहा है। और देखो, इससे बड़ी बात तो यह है, ये जो कंट्रोवर्सी हो रहा है इस चक्कर में OMG 2 का प्रमोशन और भी ज्यादा हो रहा है और इस हिसाब से जब मूवी के ऊपर इतना सारा एलिगेशन लगाया गया है तब ज्यादा से ज्यादा लोग मूवी को देखने जाएंगे अगर थिएटर में वो रिलीज होता है, क्योंकि एक ही टाइम पे गदर 2 और OMG 2 एक ही दिन पर रिलीज होने वाला था और जो ऑडियंस थे वो दोनों तरफ डिवाइड होने वाले थे, तो गदर 2 देखने वाले थे तो OMG 2 देखने वाले थे। पर अभी OMG 2 को लेके इतना सारा न्यूज आ रहा है और इतना सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है, इस वजह से OMG 2 का जो वैल्यू है, मतलब OMG 2 का जो रीच है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे इतना लगता है अभी OMG 2 का जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, हालांकि मुझे पहले लग रहा था गदर 2 का ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, पर अभी जो ये कंट्रोवर्सी चल रहा है इस हिसाब से मुझे लगता है OMG 2 अगर सब कुछ सही रहा तो OMG 2 को हिट होने में कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल हम इतना ही कर सकते इंतज़ार, और इंतज़ार करने के बाद फिर से हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या OMG 2 के सब एलिगेशन हटा दिया जाता है और उसके बाद जब मूवी रिलीज होगा बाकी हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या होने वाला था या क्या नहीं। सब्सक्राइब जरूर से करना मेरे भाई, और मिलते हैं यहाँ पर, तब तक के लिए बाय।